इस वीडियो ये वीडियो पंजाबी च है ते इहदा टाइटल है लेट्स नॉट रिपीट द शेरडन इंसीडेंट शेरडन प्लाजा इंसीडेंट अगेन। देखो पहला मैं तुहानू थोड़ी जी बैकग्राउंड दसूंगा इहदी कि 2015 तो पहला कनेडा दे विचकार कंप्यूटर सिस्टम से तो 150 देश तो बाद अपने भारत की वारी आउंदी सी जदों कि एक एक देश तो एक एक एप्लीकेशन चक्की जांदी सी ताकि कनेडा नू मल्टी कल्चरल सोसाइटी रहन दिता जावे। अपने कुछ कम्युनिटी दे मैंबर साहिबान ने जिन्हां दा मैं बड़ा धन्नवाद करूंगा पर नाम इत्थे नहीं लैंदा कि उन्होंने कोशिश की ते सरकार नू इस गल लई मनाया गया कि क्यों ना भारत तो भी स्टूडेंट कनेडा च आउण दी आग्या दित्ती जावे। बड़ी मुश्किल दे नाल ये गल स्वीकारी गई। उस टाइम ते ना तां कम्युनिटी दे मैंबरां नू इस गल दा पता सी कि यह गल होर दी होर बन जाएगी। भी उस तो बाद जिवें आयलट दे सर्टिफिकेट विकने चालू होए LIMM विकने चालू होए क्योंकि कई चीज़ां हंडन वर्तन तो बाद ही पता लगदियां ने। जे तुसीं ध्यान नाल देखो कि जिहड़े बच्चे 10+2 करके भारत तो कनेडा आ रहे ने उहनां दे CRS स्कोर पूरे नहीं हो पाउंदे ते अखीर दे विचकार LIMA जिहनूं तुसीं वर्क परमिट कहिंदे जी वो अक्सर खरीद के वो कनेडा पक्के हो पाउंदे ने। दूजा तुसी ये भी देख सकते जे कि आप अपनी शकल तो पहचाने जाने हैं ते पहरावे तो साफ पता लगता है कि आप भारतीय मूल के लोग हैं। असी सारे ने कोशिश ये कीती सी कि पंजाब नू कनेडा बनाया जा सके पर पंजाब नू तां ही कनेडा नहीं बना सके उल्टा असी कनेडा नू पंजाब बना बैठे। हुण मैं तुहानू जिहड़ा ये ब्रैमटन का इंसीडेंट होया है मैं साफ देख सकदा है कि देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट तो इहो जी गलत कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि साफ सब नू पता हुंदा है कि भी सानू घरों इन्ने पैसे ला के आए हैं। एक एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट किहदे कोल टाइम है कि रात नू 1:30 बजे जाके वह पब्लिक प्लेस दे उत्ते न्यूसेंस करेगा। चलो फॉरगेट इट। देखो इस तो पहला भी ये तीजा कि चौथा इंसीडेंट सीगा शेरडन प्लाजे का। एक इंसीडेंट होया सीगा स्कॉटडेल सरी दे विचकार पिछले साल पर मेरी कोशिश होएगी मैं तुहानू कुछ गल्लां दसन जा रहा है कि बड़ी मुश्किल दे नाल असी अपनी कम्युनिटी नू भारत तो कनेडा लियाउण लई सिस्टम बना के दिता है। इनू सांभण वास्ते सानू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कोऑपरेशन की लोड़ है और मैं तुहानू कुछ तरीके दसूंगा जिहदे नाल तुसी इहो जे इंसीडेंट अवॉयड करने ने। देखो लोकल लोगों वास्ते एक वक्रा रूल है जिहड़ा कनेडियन बॉर्न है उहदे कुछ अधिकार ने उहनू किसी देश में डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। वह चाहे इत्थे लुट्टी जाए मारी जाए गोली चलाई जाए जो मर्जी करे देखो उहनू होर किसी देश नहीं कढ़िया जा सकता। पर आपां जिहड़े भारत तो आए लोग हैं आपां कोई वर्क परमिट ते है या स्टडी परमिट ते है या विजिटर वीजे ते है आपां किसी तरह की पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करांगे तो आपां नूं तुरंत डिपोर्टेशन की जा सकती है क्योंकि आप जे तुसीं ध्यान नाल पढ़ो जां तुसीं एप्लीकेशन ते साइन करदे जी उत्ते तुसीं इह सहुं खांदे जी कि मैं जिस भी देश विच जा रहा हां मैं उत्थों दे कानून कायदे की पालना करूँगा ते जे तुसी इनू वायलेट करोगे तो ये ताडे वीजे की वायलेशन है रूल्स की वायलेशन है ते तुहानू उस दे बेस ते डिपोर्ट किया जा सकता है। सो जेड़े भी लड़के ते लड़कियां हाल दी कड़ी परमानेंट रेजिडेंट नहीं ने और वो विजिटर वीजे ते ने या स्टडी वीजे ते ने या वर्क परमिट ते ने मैं उन्होंने अबाउट 8 पॉइंट दसूंगा ये सिचुएशन अगे तो अवॉयड किवें कीती जा सकती है ते उस
कनेडा की सरकार की हैल्प किवें कर सकते ने ताकि इहो जे इंसीडेंट दोबारा ना हो। कनेडा सरकार का एक डिपार्टमेंट हुंदा उन्हें कहिंदे क्राइम स्टॉपर। जे तुसी गूगल करोगे तो क्राइम स्टॉपर दे फोन नंबर ते ईमेल तुहाडे सामने आ जाएगी। सब तो वड्डी एडवांटेज की है कि जब तुसी इहदे ते कोई भी इंटीमेशन गवर्नमेंट सरकार नूं दिंदे जे कनेडा दी सरकार नूं तां तुहाडा नाम गुप्त रखे जांदा है, तुहाडा नाम पुलिस नूं नहीं दस्या जांदा। फिर क्राइम स्टॉपर डिपार्टमेंट अगा कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट नूं इंस्ट्रक्ट करदी है कि इस दे उत्ते तुरंत कार्रवाई की जाए। जे तुहाडे कोल कोई वीडियो है, डैश कैम है, तुसी आपदा नाम नहीं दसना चाहते, कोई किसी नूं कुट रहा, मार रहा, लुट रहा या कोई गलत काम कर रहा है तां उहदी इनफॉर्मेशन सरकार कोले चली जांदी है। वह आपदे लैवल दे उत्ते अपने आप संबंधित पुलिस महकमे नूं इनफॉर्म करते ने एंड दे ट्राई टू गैट द थिंग डन। इस सिचुएशन नूं कंट्रोल करन वास्ते तुहाडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दी मैं कुछ तुहानूं सलाहां देऊंगा, मननियां या नहीं मननियां वह तुहाडी आपदी मर्जी है। जिथों तक साडा संबंध है कम्युनिटी का, असीं चाहुंदे हां कि तुसीं इत्थे मोस्ट वेलकम जे। तुहानूं असीं अपने बच्चों वांगू हैल्प करांगे, पालांगे, तुहानूं ईवन करोड़पति बनाउण तक भी साडी मन की इच्छा है, क्योंकि तुसीं लेटेस्ट एजुकेशन लैके आ रहे जी। तुहानूं कंप्यूटर आउंदा है, तुहानूं इंग्लिश आउंदी है, तां जे तुसीं ये 8 पॉइंट आपदे ध्यान च रखोगे तां तुसीं कनेडा विच काफ़ी कामयाब होण दे काबिल हो जाओगे। देखो स्टॉप गोइंग लेट इन द नाइट। तुसीं रात नूं देखो रात नूं 1 या 1:30 बजे जाके शॉपिंग करन दा, लोकां नाल मौज मस्ती करन दा, आवारागर्दी करन दा कोई टाइम नहीं है। चाहे तुसीं पुलिस डिपार्टमेंट जे, चाहे आपां उस पब्लिक फिगर चों हैं, पंजाबी हैं, कोई भी ये गल टॉलरेट नहीं करता कि किसी का भी बच्चा या किसी का भी रिश्तेदार रात दे 12-1 बजे तो बाद आवारागर्दी करता हो। देखो जे सिनेमा हॉल 12 बजे खत्म होया तो यू कैन इमीडिएटली गो बैक टू योर होम, भी वह प्लाजे जाके हर बार हंगामा क्रिएट करन दी कोई सेंस नहीं बनती। नंबर टू, देखो इत्थे भारत वर्गा सीन नहीं है कि किते लड़ाई हो रही है तो तुसीं उहदी वीडियो बनाउणी चालू कर दिओ या उहनां कोल खड़ के उहनां नूं देखना चालू कर दिओ या हल्लाशेरी दिओ। जेकर किसी ने फायरिंग कर दित्ती, गोली नूं कोई पता नहीं किहड़ी दिशा जाऊगी, हो सकदा तुहाडे आगे वज जावे। उह कृपाल लैके भज रहा है, उहने नहीं की देखना, उहने किहनूं ठोक देनी है। जबकि मैं हैरान है कि कनेडा दे विचकार तां कृपाना मिलदियां ही नहीं, सिर्फ गुरद्वारा साहब विखे धार्मिक फंक्शनस वास्ते यह लियांदियां जांदियां ने। ते मैनूं सरकार नूं यह भी बेनती है कि जिन्हें किसी ने भी यह कृपान सप्लाई की है उन्हूं भी लोड़ींदी कार्रवाई डिपोर्टेशन उहदी होनी चाहीदी है। फिर की है, डू नॉट स्ट्रोल आउट विद मोर दैन वन फ्रेंड एट ए टाइम। देखो की है कि असीं की देखते हैं कि जब भी यह गड़बड़ हुंदी है उत्थे घट तो घट 4 या 5 जाने इकट्ठे हो जाते हैं ता ही वह समस्या खड़ी होंदी है। देखो इंडिया च अपनी यारी दोस्ती निभाउणी एक वक्री गल सी, हुण तुसी अडल्ट जे, दूजे देश विच आ चुके जे, तुस कदी होर किसी कम्युनिटी विचकार इंज लोकां नूं तलवारां कढ के या गोली चलाउंदे होए तुसी देखिया अज तक? मैं तो अज तक 18 साल च कदी इहो जी वीडियो इहो जी देखी नहीं। जद भी कितें ऐसी वीडियो आउंदी उह पंजाबियां दी हुंदी है ते उह पंजाबियां नूं बदनाम करदी है, जिन्ना साडी कम्युनिटी दा अणख नूं दाग लगदा है। सो जेकर तुसीं रात नूं बैठ के किसी नाल खाणा पीणा है तां तुसीं इक जाणे नाल बैठो, ना कि ग्रुप पूरा इकट्ठा हो के हंगामा क्रिएट करो। प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। देखो चौथी गल है, मैं कि देखदा हां कि जिहड़े कनेडियन बॉर्न मुंडे कुड़ियां ने उन्हां दे उत्ते कानून वखरा है। जद आपां स्टडी वीजे ते हुंदे आ, वर्क परमिट ते हुंदे आ या आपां परमानेंट रेजिडेंट नहीं होए हुंदे तां उदों अपने उत्ते इक रूल वखरा लागू हुंदा है। सो तुसीं लोकल स्टूडेंट्स दे नाल यारी दोस्ती रख के चीकां मारनियां, कुटमार करनी इस प्रैक्टिस विच ना होवो। जे कोई कार्रवाई होगी तो तुहानूं डिपोर्टेशन हो जानी है,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵੀ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਓਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ 7 AM to 3 PM, ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ 3 PM to night 11 PM। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਰੀ ਖਾਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸ ਕਰਨੀ, ਜੱਫੀਆਂ ਛੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਹੇਵ ਵੈਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਮੋਟਲਸ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਸ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਤਾਂ ਪਿਸਣੀ ਪਿਸਣੀ, ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਟੋਟਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 911 ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡੱਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਅਸ, ਥੈਂਕਸ।